और चलिए भोपाल ले चलते हैं आपको बड़ी खबर, जहां पर ईएलसी एमपी संस्था पर ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू ने संस्था के उपाध्यक्ष अनिल मार्टिन के घर छापा मारा है। मार्टिन ने संस्था की गड़बड़ी की बात से इंकार किया। 2020 में संस्था के कर्मचारियों ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी। संस्था की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, ये कहना है मार्टिन का। आज भी ईओडब्ल्यू को कुछ सबूत नहीं मिले। गौरव गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे सहयोगी। गौरव, क्या जानकारी मिली, क्योंकि सुबह से लगातार जांच चल रही है। पीएफ कर्मचारी जो है वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जमा जो किया गया था लेकिन अभी तक जमा नहीं किया गया। दूसरी तरफ जमीन की धोखाधड़ी का मामला, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी तक क्या कुछ इनपुट मिल पाए? देखिए, बिल्कुल, एक एएनसी कंपनी है जो एक मिशनरी कंपनी के तौर पर जानी जाती है। ये भी क्रिश्चियनिटी के लिए काम करने वाली एक संस्थान है और काफी पुरानी संस्थान है। इसके कर्मचारियों ने 2020 में ईओडब्ल्यू से ये शिकायत की थी कि उनके सैलरी से, उनके वेतन से जो पीएफ का जो एक अमाउंट होता है वो लगातार काटा जा रहा है, लेकिन जो उनके पीएफ अकाउंट है उसमें वो पैसा जमा नहीं किया गया है। इसके अलावा और भी कई गंभीर आरोप जो है वो कर्मचारियों के द्वारा इन कंपनी के ऊपर लगाए गए थे, और इसको लेकर ईओडब्ल्यू से 2020 में शिकायत की गई थी। 2020 से लेकर अब तक इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू की तरफ से जांच की गई, और जांच के बाद आज ईओडब्ल्यू ने इस पूरे प्रकरण को लेकर जो ईएलसी के जो संस्थापक हैं अनिल मार्टिन, उनके ठिकानों पर, उनके घर पर और पूरे कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई की है। हालांकि इस दौरान अनिल मार्टिन से भी हमारा संवाद हुआ, उन्होंने तमाम जो ये आरोप है उसको गलत ठहराया है और साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी तरह की शिकायत कर्मचारियों के द्वारा नहीं की गई है, और आज भी जो कार्रवाई ईओडब्ल्यू तरफ से की गई है उसमें किसी भी तरह के सबूत ईओडब्ल्यू को नहीं मिले हैं। लेकिन वहीं अगर ईओडब्ल्यू की बात करें तो ईओडब्ल्यू के पास 2020 में इसी संस्थान के कर्मचारियों के द्वारा एक शिकायती आवेदन दिया गया था जिसमें तमाम ये आरोप लगाए गए थे। आरोप लगाने के बाद से जांच की गई, जांच के बाद आज ये ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की गई है। मैं आपको आरोपों को लेकर अगर बताना चाहूं तो इसमें ये साफ तौर पर कंपनी के जो कर्मचारी, उन्होंने आरोप लगाया था कि पीएफआई का जो पीएफ होता है, पीएफ का जो पैसा सैलरी से कटता है वो पैसा काटा तो जरूर गया लेकिन उनके अकाउंट में नहीं डाला गया है। ऐसे में जो तमाम जो पैसा जो अब तक एम्प्लॉय का काटा गया था वो पैसा कहाँ गया, उसका क्या हिसाब किताब है, क्या उनका हवाला में इस्तेमाल किया गया है या किस तरीके का उसका दुरुपयोग हुआ है, उस दिशा में भी ईओडब्ल्यू इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच कर रही है। हालांकि इसमें एक और आरोप संस्थान के ऊपर लगे हैं कि जो मिशनरीज के नाम पर, क्रिश्चियन स्कूल्स के नाम पर, संस्थानों के नाम पर इस कंपनी के द्वारा कई सारी जमीनें दान में इनको मिली हैं, कई सारी जमीनें इनके द्वारा अधिकृत भी की गई हैं, उन जमीनों का भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के आरोप भी संस्थान के ऊपर लगे हैं। हालांकि कंपनी के जो संस्थान के जो संस्थापक है, जो अभी अध्यक्ष है मौजूदा अनिल मार्टिन, उन्होंने इन तमाम आरोपों को नकारा है और साफ तौर पर कहा है कि जो उनके संस्थान है वो 100 साल पुरानी है और आज तक उनके ऊपर किसी भी तरह के जो आरोप है वो नहीं लगे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है और इस बार भी किसी भी तरह के सबूत नहीं मिले हैं। अगर हम ईओडब्ल्यू की जांच की बात करें तो ईओडब्ल्यू की जांच अभी भी जारी है और इस संदर्भ में अभी जांच की जा रही है कि जो आरोप कर्मचारियों की तरफ से पीएफआई से, पीएफ से जो पैसे काटने का जो आरोप है वो पैसा कहाँ गया, उसको लेकर अभी जांच चल रही है, और जो जमीनों की जो बात है उसको लेकर भी अभी दस्तावेज ईओडब्ल्यू की तरफ से खंगाली जा रहे हैं। बिल्कुल गौरव, हमें बता रहे हैं कि जमीन की धोखाधड़ी का पूरा मामला, पीएफ में जिस तरह से कर्मचारियों के पैसे जमा होते हैं वो नहीं हो पाए हैं, करोड़ों की धोखाधड़ी का ये जो मामला है वो सामने आया, और फर्जी तरीके से संस्था बनाना भी जो है वो उसमें शामिल। अब देखना होगा जांच का एंगल कहां पहुंचता है और किस तरह से जांच आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।